अभी तक दलित प्रताड़ना और दलितों के संघर्ष के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जो समाज में दलितों की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करने में कामयाब हुई हैं। और साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म मामन भी इन्हीं में से एक है। यह फिल्म जाति, राजनीति, पीढ़ीगत संघर्ष और मनुष्यों और जानवरों के बीच संबंधों को गहराई से समझने का प्रयास करती है। मारी सेल्वराज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बड़ीवेलु, उदयनिधि स्टालिन, फहद फासिल और कृति सुरेश जैसे प्रमुख कलाकार अपनी अनूठी भूमिकाओं में हैं। आपको दलितों के मुद्दों को गहराई से प्रदर्शित करने वाले इस फिल्म के बारे में बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिल्म का मुख्य पात्र मामन एक दलित विधायक है जो एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है। मामन का चरित्र मृदुभाषी, विनम्र और संघर्षशील है। वह अपने समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए काफी प्रतिबद्ध है। वहीं उसका बेटा आदिवीरन उर्फ वीरन मार्शल आर्ट और स्वरों का दीवाना है। आदिवीरन जातिगत भेदभाव का भी कट्टर विरोधी है, लेकिन अपने पिता के विपरीत वो अधिक आक्रामक और टकरावपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। आदिवीरन और मामन के बीच पीढ़ीगत अंतर जाति व्यवस्था के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। आदिवीरन का मानना है कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में निष्क्रियता स्वीकार्य नहीं है, जबकि मामन ने शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान खोजने में विश्वास करता है। फिल्म की कहानी तब मोड़ लेती है जब आदिवीरन और उसके दोस्तों को सार्वजनिक कुएं में नहाने के लिए उच्च जाति के लोगों के एक समूह द्वारा निशाना बनाया जाता है। यह घटना आदिवीरन को बहुत आघात पहुंचाती है। मामले में शांति बनाए रखने के लिए मामन मंत्री सलेम सुंदरम से मदद मांगता है, लेकिन मंत्री उसे कार्रवाई करने से परहेज करने की सलाह देते हैं। इससे आदिवीरन और उसके पिता के बीच दरार और गहरी हो जाती है। अगले 15 वर्षों में आदिवीरन को लीला से प्यार हो जाता है, जो वंचित बच्चों के लिए एक निशुल्क कोचिंग सेंटर चलाती है। लीला और आदिवीरन शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। हालांकि एक अन्य किरदार रत्नावेलु इस पहल को कुचलने की पूरी कोशिश करता है, जिससे आदिवीरन और रत्नावीरा के बीच संघर्ष होता है। आपको बता दें कि फिल्म में आदिवीरन का किरदार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने निभाया है, जबकि लीला का किरदार कीर्ति सुरेश ने निभाया है। बता दें ये फिल्म समाज में जाति आधारित पदानुक्रम और राजनीति में जातिगत भेदभाव के विषयों को गहराई से दर्शाती है। मामन का चरित्र राजनीतिक आरक्षण की सफलता और चुनौतियों का प्रतीक है। साथ ही आदिवीरन के माध्यम से जाति व्यवस्था के खिलाफ सक्रिय और साहसी प्रतिरोध की आवश्यकता को दर्शाया गया है। फिल्म इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि जानवर, खासकर सुअर, जाति उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध और आत्मसम्मान के प्रतीक हो सकते हैं। सुअरों को उच्च जातियों द्वारा गंदा माना जाता है, लेकिन आदिवीरन के लिए यह शक्ति और संघर्ष का प्रतीक है। रत्नावेलु के रूप में फहद फासिल ने जातिगत श्रेष्ठता और हिंसा को बहुत प्रभावशाली तरीके से चित्रित किया है। रत्नावेलु का किरदार दलितों को इंसान से कमतर समझता है और जातिगत उत्पीड़न का सटीक चित्रण है। फिल्म का निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत इसे और भी प्रभावी बनाते हैं। ईआर रहमान का संगीत फिल्म के भावनात्मक पहलुओं में गहराई जोड़ता है। कहानी को क्लोजअप और लॉन्ग शॉट्स के संयोजन के साथ जीवंत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। फिल्म का समापन एक शक्तिशाली दृश्य के साथ होता है, जिसमें मामन को चुनाव जीतने के बाद रत्नावेलु के ऊपर खड़ा दिखाया जाता है। यह दृश्य सामाजिक और राजनीतिक समानता की दिशा में प्रगति का प्रतीक है। मामन ने सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक गहरा सामाजिक संदेश है जो समानता, न्याय और जाति व्यवस्था के उन्मूलन की ओर सभी को प्रेरित करता है। फिल्म दर्शकों को सोचने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।